मैं शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम वली स्थित जो टीएमसी हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पर मौजूद है। आपको बता दिए आज इस टीएमसी हॉस्पिटल में ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर अभिजीत बांगर यहां पर पहुंचे थे और मुमरा के जो नगर सेवक थे, जनप्रतिनिधि थे, उन सभी लोगों से जो है यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। दरअसल मीटिंग का मकसद ये था कि जिस तरह से लगातार जो है खसरे की बीमारी जो है वो बढ़ते जा रही है, उसे किस तरह से रोकथाम किया जाए, टीकाकरण किस तरह से बढ़ाया जाए, इन सब सभी चीजों पर आज यहाँ पर चर्चा की गई थी। हालांकि मनपा की तरफ से जो है लगातार टीका लगाने का काम जो है जारी है, घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा शहर का ये था कि इस टीएमसी हॉस्पिटल को लेकर जो है शहर में चर्चा चल रही है कि इसे प्राइवेट किया जाएगा। मीडिया कर्मियों ने जब इस पर भी सवाल किया तो मनपा आयुक्त ने इस पर खुलकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी हॉस्पिटल को मनपा चलाएगी या प्राइवेट किया जाएगा इस पर जो है अभी विचार नहीं हुआ है और जल्द ही इस पर डिसीजन आएगा कि इसको प्राइवेट किया जाएगा या फिर मनपा चलाई गई। अभी फिलहाल खुलकर उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे प्राइवेट कर दिया गया, ऐसी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन जिस तरह से मुमरा शहर में तमाम जो तकलीफ हो रही है महिलाओं को, इस तरह से कहे गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो फैसिलिटी हॉस्पिटल में जो है बराबर मौजूद नहीं, डॉक्टरों की कमी है, कुछ मशीनरी की भी कमी है। यहाँ से गर्भवती महिलाओं को जो है कलवा भेजा जाता है, वहां पर भी बेड नहीं खाली होने की वजह से जो है फिर अन्य दूसरे जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है मरीजों को इलाज कराना पड़ अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाओं को भर्ती करना पड़ता है। लेकिन अगर मुमरा शहर में इस तरह का करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया है, मुमरा शहर के लोगों की यही मांग है कि इस हॉस्पिटल को मनपा चलाए ताकि मुमरा शहर के लोगों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन आज जो है मनपा कमिश्नर जो है वो पहली बार यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आए और मीडिया कर्मियों ने जो है बातचीत की है, हॉस्पिटल प्राइवेट जो किया जाएगा या नहीं प्राइवेट किया जाएगा इसमें उन्होंने खुलकर तो बात नहीं की। लेकिन और भी जो सवाल है, डॉक्टरों की कमी है, मशीनरियों की कमी है, ये सब मुद्दों पर पत्रकारों ने जो बात की है हम आपको सुनाते हैं। मिजल्स का जो यहाँ पे इंसिडेंस 4 हेल्थ सेंटर है यहाँ पे ज़्यादा पाया गया है, इस बैकग्राउंड पे यहाँ पे हमने आज मीटिंग का आयोजन किया था। हमारे मेडिकल ऑफिसर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी के साथ यहाँ पे मीटिंग की गई। मिजल्स के बारे में जो प्रिकॉशन लेने ज़रूरी है उसके बारे में चर्चा हुई, लोगों की क्या समस्या है उसको समझ लिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो 4 मुमरा के हेल्थ सेंटर है जहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो जो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें मिजल्स अगर होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की ज़्यादा आशंका होती है। सो वैक्सीनेशन हो इसके लिए प्लानिंग किया गया, आउटरीच सेंटर ज़्यादा संख्या में लगाए जाए, जनप्रतिनिधि हो, रिलीजियस लीडर हो, इनके यहाँ पे सहयोग लिया जाए, इस तरह से प्लानिंग किया गया। सर्विलेंस एक्टिविटी की जा रही है, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है सो दैट जिनको सिम्टम हो वो सिम्टम्स के बच्चे जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और उनके जरिए जल्द से जल्द उनको अस्पताल में अगर ज़रूरत है तो एडमिट किया जा सकता है। इसके लिए सर्विलेंस एक्टिविटी की जा रही है, सर्विलेंस एक्टिविटी जल्दी खत्म हो। बाय द वे सर्विलेंस एक्टिविटी मल्टीपल राउंड में की जा रही है, पहला राउंड खत्म हो चुका है, दूसरा राउंड अभी चल रहा है। सारे लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर सर्विलेंस के लिए आपके यहाँ पे कोई कॉरपोरेशन के या गवर्नमेंट के लोग आए तो उनको कृपया आप सहयोग करें। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन के या टीकाकरण के कैंप लगाए जा रहे हैं जहाँ पे कैल्शियम या विटामिन ए की आपको वहाँ पे सुविधा अवेलेबल करके दी जा रही है उसका भी लाभ लोगों ने लेना ज़रूरी है। सर हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है, चर्चा हो रही है, किसको दिया जा रहा है इसकी मालूमत आप? हॉस्पिटल शुरू होना हमारी प्राथमिकता है, वो किस तरह से शुरू करना है वो डिसीजन अभी अंतिम होना बाकी है। तो प्राइवेट बट दैट्स व्हाट, सो शुरू किस तरह से करना है वो डिसीजन होना अभी अंतिम है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हॉस्पिटल शुरू होना बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि इतनी अच्छी इमारत है और इतनी अच्छी बिल्डिंग, अगर हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे तो इन्हीं लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। सो वी विल इंश्योर कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। शुरू होगा लेकिन प्राइवेट होगा या टीएमसी ही चलाएगी, ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। बिल्कुल, सो अस्पताल जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, वो किस तरह से शुरू होगा इसका डिसीजन भी जल्द दिया जाएगा। और शुरू होने होगा या नहीं होगा ये हम पूछ। सर सबसे अहम पॉइंट है कि मुमरा कौसा की आबादी जो है वो आबादी जिसमें 60% बीपीएल है सर,
बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज्यादातर है, दे कांट अफोर्ड एनी प्राइवेटाइजेशन, वो निजीकरण को जो है राइट सो आपका मुद्दा मैं समझ गया। सो हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन होगा या गवर्नमेंट के जरिए या कॉरपोरेशन के जरिए किया जाएगा, इसका डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। लोगों की जो भावना है हमारे पास पहुंचाई गई है, इसका हम डेफिनेटली विचार करेंगे और उसके आधार पर डिसीजन फाइनल किया जाएगा। डॉक्टर की टीम के वगैरह और मशीनरी की भी कमी बताई जा रही है यहाँ पर कि डॉक्टर्स कमी है, एडिशनल डॉक्टर्स एडिशनल नर्सेस अवेलेबल करके हम हेल्थ सेंटर में दे रहे हैं मिजल्स का सामना करने के लिए। हमने चारों भी हमारे हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एम्बुलेंस रखने के लिए बोला गया है, एम्बुलेंस वहाँ पे अवेलेबल करके दी जाएगी। जो हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एडिशनल पीडियाट्रिशियन अवेलेबल करके दे रहे हैं। जो हमारे टीकाकरण के लिए डोसेस चाहिए वो भी अतिरिक्त संख्या में हमने अवेलेबल करके ली है। सो जो भी मिजल्स का सामना करने के लिए तैयारी करनी है वो हमने कर रहे हैं, की जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि है उनका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ आज यहाँ पे चर्चा की। स्थानीय मीडिया भी सर आपको पूरा सहयोग करेगा। हाँ, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया के जरिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजल्स इज समथिंग विच इज सीरियस, इसको कैजुअली लाइटली ना लिया जाए। जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण जरूरी है उसको रिस्पॉन्स मिले, और अगर किसी को फीवर या कोई सिम्टम है तो जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए। सर इस अस्पताल की एक आखिरी बात आपके कान पर डालनी है, क्योंकि आपने आयुक्त पद का जिम्मा संभालने के बाद आप पहली बार आए, और वैसे भी आयुक्त स्तर के अधिकारी बड़ी मुश्किल से ही आते हैं मुमरा कौसा में, खास करके यहाँ हमारा अनुभव है। तो ये अस्पताल में जो लेबर वार्ड चल रहा है सर, वहाँ पर काफ़ी कमियाँ हैं। यहाँ पर नाम लिखाने के बाद उस गर्भवती महिला का पूरा चेकअप का दौर पूरा होने के बाद ऐन मौके पर उसे यहाँ कलवा भेजा जाता है, कलवा में भी जो है बेड अवेलेबल नहीं होता है, एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे वक्त जो है उस पेशेंट को, उस गर्भवती महिला को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। जो मैटरनिटी वार्ड्स कॉर्पोरेशन के हैं, वो कौसा का हो या कॉर्पोरेशन के पूरे शहर में जो मैटरनिटी वार्ड्स है, उसको मैं पहला रिव्यू जब लिया था उसी टाइम पे डायरेक्शन दिया हूँ कि हर एक मैटरनिटी वार्ड में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं, तो वहाँ पे सीजरियन और इमरजेंसी सीजरियन की फैसिलिटी अवेलेबल करके देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसके लिए हमें ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे ऑपरेशनलाइज करना होता है, एनास्थेटिसिस्ट लेके पीडियाट्री गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल करवा के लेना पड़ता है। सो हर एक मैटरनिटी वार्ड इंक्लूडिंग कौसा में हम ये फैसिलिटी अवेलेबल करके देंगे। फेज वाइज होगा, कौसा प्रायोरिटी पे ले जाएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ से उस हॉस्पिटल में आने में ज़्यादा अंतर पड़ता है। तो प्रायोरिटी पे कौसा में मैटरनिटी वार्ड में सीजरियन की सुविधा हम अवेलेबल करके देंगे।